राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस से निपटने के लिए नगर निगम ने क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है। इसके अलावा नगर निगम मुख्यालय में अब एक ही गेट से प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं कार्यालय में प्रवेश से पहले हर किसी का हाथ साबुन से धुलवाया जा रहा है। सोमवार को महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि नोवल कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम की रणनीति बनाई गई है। वहीं उन्होंने बताया है कि इसके तहत जोन में 30 अधिकारियों और कर्मचारियों की क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है, जो सफाई उपकरणों और वाहनों से लैस होगी। कोई भी सूचना मिलने पर कोरोना वायरस से ग्रसित परिवार और व्यक्ति के घर के 1 किलोमीटर क्षेत्र को टीम सैनिटाइज करेगी। इधर आइए। हाँ पार्षद, एक वो आदमी है। अरे सुनो, एक राठौर जोन में क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है, QRT। उसमें 30 लोग हैं, सफाई कर्मचारी और जो हमारे इंजीनियरिंग गैंग के लोग हैं। एक प्रभारी बनाया गया है उसके लिए, और साथ ही साथ एक गाड़ी JCB हाईवा भी उनके साथ है कि कहीं अगर ऐसी स्थिति आती, कोई मोहल्ला अगर कोरोना के मरीज वहाँ है, तो उनको 1 किलोमीटर का एरिया क्लस्टर में 3 किलोमीटर के एरिया को सैनिटाइज करने के लिए, साथ ही साथ ब्लीचिंग 2% ब्लीचिंग पाउडर का घोल का छिड़काव भी किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वहाँ हैंड वॉश की सुविधा दी जा रही है, और साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। इसके अलावा बाज़ारों में भी हम लोग हैंडवाश की सुविधा के लिए टेम्परेरी हैंडवाश सिस्टम लगा रहे हैं। करीब 10 हैंडवाश सिस्टम हमारे बन के तैयार हो गए, आज शाम तक और ज़्यादा बन जाएंगे। तो लोगों को मैक्सिमम हाथ धुलने की तरफ हम लोग अवेयर कर रहे हैं, और IEC में प्रचार प्रसार नगर निगम की तरफ से होर्डिंग, पंपलेट, लीफलेट और हमारी जो गाड़ियाँ हैं उन पर जिंगल्स, ये सब सारी कार्यवाही। लखनऊ से KKD न्यूज़ संवाददाता विवेक कश्यप की रिपोर्ट।